सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के यार प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था एंड उसके टाइप पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यार जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन को ओवरलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये यार आप देख सकते हो एक कोड है, ठीक है। तो इसके अंदर यार क्या चीज़ है, सिंपल सी कोड है, बहुत ही सिंपल कोड है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं। ओवरलोड कैसे करते हैं भाई, ओवरलोड करने का तरीका क्या है कि फंक्शन का नाम सेम होगा, फंक्शन का नाम हर जगह सेम होगा, बट क्या होंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। यहाँ पे एक पैरामीटर है जिसका टाइप है इंट वैर, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर है बट उसका टाइप इंट की जगह डबल हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए भैया, फंक्शन आपस में क्या हो गए, ओवरलोड हो गए, मतलब एक के ऊपर एक हो गया। ओवरलोड मतलब समझते हो ना, ओवरलोड का हिंदी मीनिंग वही हुआ है, फंक्शन क्या हुआ है, ओवरलोड हो चुका है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ पैरामीटर से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे वन पैरामीटर थे और यहाँ पे भी वन पैरामीटर थे, बट इसको अपन टू पैरामीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब फंक्शन ओवरलोड किस तरीके से होता है, फंक्शन ओवरलोड यार इस तरीके से होता है जहाँ पे सेम नेम ऑफ फंक्शन होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं। यहाँ पे वन वन पैरामीटर थे, यहाँ पे टू पैरामीटर्स हैं, या फिर पैरामीटर का टाइप डिफरेंट होगा, ठीक है। समझ गया, शुद्ध हिंदी भाषा में आपको समझा दिया गया है। एक बार आप फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन देख लेना गूगल में या फिर अपने नोट्स में, पूरा समझ में आ जाएगा। उसमें ये लिखा है कि फंक्शन का नाम जो है सेम होना चाहिए, जो कि डिस्प्ले है इस केस में। फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे, या तो फंक्शन के डेटा टाइप दूसरे होंगे या फिर नंबर ऑफ डेटा टाइप्स चेंज होंगे, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, वन वन के केस में भी क्या है, दोनों अगर अलग अलग हैं, ठीक है, समझ गया। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे कि फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं C++ के अंदर, या फिर आप अपने कोडिंग प्रोग्रामिंग जो भी आप से कर रहे हो उस लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो, ठीक है। अब भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, जब अपन मेन क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जब एक सिंगल पैरामीटर है ए, और ए का टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। तो मतलब ये वाला जाएगा ना, जिसमें एक ही वेरिएबल है और उसका टाइप क्या है, इंट है, तो ये वाला फंक्शन कोड हो जाएगा रन, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो, एरो भी देख लो, समझ गए, बहुत ही सिंपल शुद्ध भाषा में समझा दिया जा रहा है आपको, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, डबल। तो जब अपन बी देखो, बी का टाइप क्या है, डबल है, ठीक, और एक ही पैरामीटर भेज रहे हैं, तो कौन सा जाएगा भाई, ये वाली फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तीसरी में क्या हो रहा है, दोनों पैरामीटर्स आ रहे हैं ए और बी, जिसका ए का टाइप है इंट, दूसरे का टाइप है डबल, तो तीसरा वाला मतलब ये रहा फंक्शन कॉल, ठीक है, समझ गया। तो फंक्शन को अपन ओवरलोड कैसे किया जा सकता है भाई, फंक्शन को ओवरलोड यार कई तरीक़ों से किया जाता है। पहली चीज़ क्या है, फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है, नाम क्या होना चाहिए, सेम, ये डिस्प्ले, ठीक है। दूसरी चीज़ कैसे पहचानेंगे फंक्शन ओवरलोड हुआ है, देखो यार पैरामीटर्स या तो सेम होने चाहिए या तो डिफरेंट होने चाहिए। सेम मतलब किस केस में, पैरामीटर्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम इस केस में होंगे जिस केस में पैरामीटर्स का टाइप डिफरेंट होगा, समझ रहे हो, या फिर पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंस भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर वन थे, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर टू हैं, है ना, समझ रहे हो। तो इस केस में क्या हो गया, फंक्शन ओवरलोड हो गया। और कॉलिंग कैसे पहचानेंगे भाई, कॉलिंग तो सिंपल है, जब दो को कॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यही दो होंगे, ठीक है, जिनका इंट एक का है, दूसरे का टाइप क्या है, डबल है, तो एक का टाइप इंट, दूसरे का टाइप है डबल। काफ़ी सिंपल सा कोड दिखाया यार आपको, मैं चाहता तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके बता सकता था, ठीक है, बट मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाने का ट्राई किया है। तो इस केस में क्या हो रहा है भैया, फंक्शंस ओवरलोड हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर, मतलब बहुत ही क्लियर हो गया होगा, इसके अलावा उसमें कुछ है ही नहीं। अब दूसरी चीज़ क्या है, ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं। जैसे ऑपरेटर को ओवरलोड मैं अभी बता देता हूँ, इसके अलावा आपको कुछ मतलब समझ में ही इसी में आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं कुछ देखने की। जैसे प्लस ऑपरेटर को अपन को ओवरलोड करना है, सपोज़ ए प्लस बी करना है, तो ए में कुछ वैल्यू 5, बी में कुछ वैल्यू है 5.5 ले लेते हैं डबल की तरह ही, जो कि इस कोड का है। तो यार ये दोनों, एक क्या इंट को ऐड कर रहा है, दूसरा इसको ऐड कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है अपना आंसर क्या हो, इंट में आ रहा हो, इंट सी करके, जो कि इनका समेशन हो ए प्लस बी का, या हो सकता है जो सी है वो भैया इंट नहीं होकर डबल भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये जो प्लस है, ये प्लस क्या कर रहा है, सभी को ही तो ऐड कर रहा है, इंट को भी ऐड करके ही देगा एक इंटीजर सी स्टोर में, या फिर अगर सी का टाइप डबल हुआ तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो डबल होके सी में स्टोर हो जाएगी, समझ रहे हो। तो डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट डेटा टाइप्स को अपन ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर,
ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहला देगा। इस कॉन्सेप्ट को अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को चेक करके, वैसे ही ऑपरेटर को में भी यही हो सकता है ना। जैसे ए प्लस बी, अगर ए में 5 है बी में 5.5 है तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, है ना। साथ में क्या हुआ, अगर एक कैरेक्टर ए है प्लस दूसरा कैरेक्टर ए है, तो इस केस में क्या, दोनों के ASCII वैल्यू ऐड होकर तीसरा जो कैरेक्टर मिलेगा उसके इक्वल हो जाएगा, जिसकी ASCII वैल्यू इन दोनों के इक्वल होने वाली है, ठीक है, समझ रहे हो। तो एडिशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यार वो हर एक चीज़ में, इंट इंट में भी वर्क करेगा, इंट फ्लोट या फिर इंट अपना डबल में भी वर्क करेगा, स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर के केस में भी ये वर्क करने वाला है, तो इसको कहेंगे अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग की वर्किंग कैसे, फंक्शन ओवरलोडिंग को पहचानेंगे कैसे, जब सेम नाम ऑफ फंक्शन होगा, फंक्शन का नाम सेम होगा, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी चल जाएंगे, बट उनका जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट होना चाहिए, या फिर डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पे नंबर 1 है पैरामीटर का, यहाँ नंबर 2 है, तो इस केस में भी अपन कहेंगे कि फंक्शन ओवरलोड हो रहा है। कॉलिंग कैसे करेंगे, कॉलिंग आपके सामने है भाई, जब एक पैरामीटर है जिसका टाइप इंटीजर है तो इंटीजर वाले को कॉल करेगा, जिसका डबल है तो डबल वाले को कॉल करेगा, जिसमें दो पैरामीटर एक इंट दूसरा डबल तो इस वाले को कॉल कर लेगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यार आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको दोनों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ समझा दी, एक क्या अपना फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे सब लोग। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और आगे का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ ही रहा होगा, अब नेक्स्ट जो फ्लो होगा उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं।